Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. जो मैंने चार लाइन माँ के बारे में लिखने को बोली थी वो तुम लोगों ने लिखी। शाबाश राजू, तुमने लिखा कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लिखा कि नहीं? इधर आओ। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे क्लास में क्या सोता रहता है? बोल, तू ऐसे नहीं बोलेगा, ये बैच तुझसे बुलवाएगी। हाथ खोल। मास्टर जी से मत मारिए, ये माँ के बारे में कैसे लिखेगा, इसकी तो माँ ही नहीं है। राजू, हमेशा की तरह बाबूजी ने आज भी झूठ बोला, आज भी मेरी माँ को नहीं लेकर आए। लक्ष्मी, बाबू लिख ले बिल्कुल निकम्मे, वो तो सिर्फ इस जायदाद की देखभाल के लिए है। पूरी चुड़ैल लिख ली राजू की माँ, मरने से पहले सारी जायदाद राजू के नाम कर गई। जी हाँ, देख जी। सब लोग तेरे पिताजी के सामने कैसे हाथ बांधे खड़े हैं। पढ़ लिख कर आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है बेटे? मुझे नौकर नहीं बनना है माँ, मैं मालिक बनूंगा। मालिक बनना है तो खेतों में काम कर, क्योंकि असली खजाना किताबों में नहीं जमीन में छुपा है बेटा। मैं खेत में काम करूंगा। क्या कर रहा है, नीचे उतार, छोड़ छोड़। माँ तू खुश है ना? देख देख कैसे खेत लहरा रहे। अरे ये तो बंजर जमीन थी, अगर तूने कहा होता तो मैं रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर देता। माँ का हुक्म हो और बेटा ना माने। 20 साल पहले की बात है, जब मैं राजू के लिए इस घर में एक माँ लेकर आया था। जब उसे पता चला कि सारी जायदाद राजू के नाम है तो उसने राजू को अपने वश में करने के लिए उसे पढ़ने लिखने ले दिया, और इस बात का मुझे पता चला तो वो मेरे खिलाफ भड़काने के बाद मेरे मासूम राजू को भी मुझसे छीनना चाहती है। मैं समझ में तुझे छोड़ दूंगा, बस तेरी जान ले। मेरे भाग्य को मार दिया। और उस दिन के बाद मुझे हमेशा के लिए पागल करार दे दिया गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वम भजा। बहन जी, बहन जी शरबत पीजिए। ना 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 ना, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे शरबत पीने से क्यों रोका? अगर आप वो बर्फ वाला शरबत पी लेती तो आपको थोड़ी देर में छींक आ जाती, खांसी शुरू हो जाती, बुखार हो जाता, दर्द के मारे अंग अंग टूटने लगता, और बुखार आपको धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ले लेता, और फिर आपको निमोनिया हो जाता। और अगर आपको निमोनिया हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सरस्वती जी कहाँ मिलेंगी? क्यों, उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, वो देने आया हूँ। ये तस्वीर आप मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। आप कौन? मैं उनका वो तो ये लो। रात था और जवाब दे, क्या कर रही थी सलामजादे के साथ?
आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं? अगर रात भर जवान बेटी घर न लौटे तो बूढ़ा बाप क्या समझेगा? बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल रात भर हम लोग एक तूफान में फंस गए थे। कौन से तूफान की बात कर रहा है बेटू? क्या वासना के उस तूफान की जो रात भर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे को देखकर उठ रहा था? मारो सारे को! किसने इसको हाथ लगाया तो काट के रख दूंगी। मारो सारे को! ए भैरव, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, दिखा ले हाथ लगा के। आपकी बेटी कटकर मर सकती है मगर ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती जिससे आपको अपना सर शर्म से झुकाना पड़े। आपका सर दुनिया के सामने नहीं झुकने देगी, आपकी सरस्वती नहीं झुकने देगी। मुझसे ब्याह करोगे? ये मेरी माँ है। ये तेरी बहू है माँ। अपनी माँ से आशीर्वाद नहीं लेगा? माँ जीते रहो। ये क्या है बाबूजी के लिए ये खाना जाता है? क्या करूँ भाभी, अपनी भी जान जलती है लेकिन उस चांडाल चौकड़ी में। परवाह तुम मत करो, आज से बाबूजी के लिए खाना मैं लेकर जाऊंगी। बाबूजी आप रो रहे हैं। 20 साल से मैं इसी प्यार और सहानुभूति के लिए तरस गया था। देख माँ, रमेश शहर से डॉक्टरी पास करके कितनी सारी डिग्रियां लेकर आया। अच्छा माँ, जीते रहो। अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना माँ, तू खुश है ना माँ? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ कि हमारा रमेश डॉक्टर बन गया। माँ अब रमेश पढ़ लिख तो गया, अब जल्दी से एक अच्छी लड़की ढूंढकर इसकी शादी कर दो। क्यों रमेश, हम कोई लड़की ढूंढे या तेरी निगाह में कोई है? माँ वो अरे वो क्या करता है बता ना, वो लड़की कौन है, उसका घराना कैसा है, वो करती क्या है, उसका नाम क्या है? भैया उसका नाम कुनिका है। आइए आइए। ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? ये शोर शराबा नहीं है, ये आपके आने की खुशी में पटाखे चलाए जा रहे हैं। शट अप यू ब्लडी सर्वेंट। आइए ना बाबूजी। तुमने इन्हें कमरे से बाहर निकालकर सही नहीं किया। जब अपने लालच के लिए घर के बुजुर्ग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं तब छोटों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाएं। बहू चिल्ला मत। अरे पति तो परमेश्वर होता है लेकिन आपने अपने परमेश्वर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। आप लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। शुक्र करो बहू, आज जो तुमने मेरे लिए कहा वो मेरे बेटे राजू ने नहीं सुना। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो आज जान ले कि उनकी माँ कितनी लालची और खुदगर्ज है। एक शब्द भी तुमने मेरी माँ के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस माँ की तुम पूजा करते हो वो देवी नहीं, एक डायन है। डायन? क्या बोला तूने? तूने मेरी माँ को डायन बोला? राजू नहीं बोला। छोड़ दे इसे, छोड़ दे, तुझे मेरी कसम है, छोड़ दे। मैं भी अपने सुहाग की कसम खाती हूँ कि इस घर में हो रहे अन्याय को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। इसमें लिखा है कि आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ? ये बही खाता कौन लिखता है? मुनीम जी। मालिक मैंने कोई गबन नहीं किया, ये सब तोता राम जी ने किया है। मामा जी, मामा जी, नाटक बंद करो मामा जी, और ये बताओ कि चुरावे रुपए तुमने कहाँ रखे हैं? बंदूक दिखा के डराता है। इतनी नीच हरकत कर सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किसका तार है बहू? रमेश को कॉलेज से निकाल दिया गया क्या? है आज हमारे गांव में एक
खैराती अस्पताल की नींव रखी जा रही है। इस महान कार्य का उद्घाटन हमारी महान सासू जी के शुभ हाथों द्वारा होगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, मुंह मीठा कीजिए, आप ही लीजिए हवलदार साहब। मैं मुंह मीठा करने नहीं आया हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ और काम से आया हूँ। किस काम से इंस्पेक्टर साहब? कुछ खास नहीं, बस आपके भाई की मेडिकल की डिग्रियां देखना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब बात बढ़ेगी नहीं, आप चाहे तो कुछ रुपया पैसे लेकर मुझे ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? गलत छोड़िए, गलत छोड़िए मेरे भाई का। आपके भाई के पास ना कोई डिग्री विग्री है और ना ही आपका भाई डॉक्टर है। नालायक धोखेबाज, तूने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। राजू, राजू इसे जल्दी दीजिए माँ जी। ये ले, रख। आज से तू मुझे इस घर में नहीं खेतों में मजदूरों की तरह काम करता हुआ दिखाई देना चाहिए। शुरू शुरू क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, हमारे घर को किसकी नजर लग गई? देखो मैंने ये क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है। अरे बात क्या बताओ ना, तुम बाप बनने वाले हो। वो तो ठीक है मगर क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? अच्छा बहन जी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं फिर आऊंगा। और हाँ, ये सारा सामान मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, और शुरू के लिए ये केसर। मुझसे मुकाबला करना चाहती थी, जानती नहीं मैं नागिन हूँ। ये केसर तुम्हारे पिताजी दे गए थे, इससे पहले कि दूध ठंडा हो जाए इसे गटागट पी जाओ, लो। क्या हुआ? तुमने मुझे दूध पीने से क्यों रोक दिया? इसलिए दीदी कि जो केसर वाला दूध आप पीने जा रही थी उसमें जहर मिलाया हुआ है। क्या? ये लो। क्या बात है सुरु? ये लो और काट डालो मुझे। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुमने दूध में केसर मिलाया था ना, उस केसर में जहर मिला हुआ है। क्या बकती हो, केसर में जहर मिला हुआ? अरे ये केसर तो खुद तेरे पिताजी दे गए थे। मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसमें जहर मिला दिया। मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा सुरु, इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। अब हम दोनों के बीच में यही साबित होना है ना कि इस दूध में जहर है या नहीं, तो इसमें माँ को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद ही पीकर साबित कर देता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूँगी। छोड़ दो मुझे। अरे वो नागिन चुपचाप क्या खड़ी है? बोल दे इन्हें, बोल दे कि दूध में जहर मिला हुआ है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मार डालूंगा तुझे। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। देखा माँ तुमने, तुम पर शक करती है। वो कहती है तूने दूध में जहर मिलाया, अरे वो अभागन ये नहीं जानती कि माँ की ममता जहर को भी दूध बना देती है। संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो मां होता है। बड़ा होकर वो बहुत कुछ सीखता है, बोलता है, लेकिन मैंने मां के अलावा और कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जाना। बोलो मां, फिर तुमने ये सब क्यों किया? अच्छा हुआ तुम डॉक्टर साहब को यहाँ ले आई, बेचारा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, पर उसकी जान तो बचानी पड़ेगी ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, वसीयत के कागजात पर दस्तखत करने पड़ेंगे। बताओ कहाँ करने हैं दस्तखत? तुम इन कागजों पर दस्तखत नहीं करोगी। दरवाजा खोल दो बहू। क्या तू पागल हो गई है माँ? छोड़ मुझे। हम लोग इतना नीचे गिर गए कि उस भोले भाले राजू की जान लेने पे तुल गए, जो जिंदगी भर भगवान की नहीं
जैसी डायन की पूजा करता रहा। इसी तरह ये कागज मुझे दे दे माँ, वरना मुझे दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ये औरत पागल हो गई है रमेश, फौरन इसे कागज छीन ले। ये कागज मुझे दे दे माँ। ये क्या कर रही हैं आप? मैं जानती हूं बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूं। जो चाहे मुझे सजा दे, लेकिन अपनी मां को छोड़ के बच जा बेटा। ये जमीन जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा बेटा, मेरा राजू चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, राजू बेटा चाहिए।